सिख नौजवान पीढ़ी नूं सही दिशा देण अते उन्हां नूं अपनी खुद नुमाइंदगी दे समर्थ बनाउण दे उदेश नाल सरबत खालसा वल्लों थापे श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा दे दिशा निर्देशां तहत अकाल यूथ नामी जथेबंदी मैदान विच नित्री है। इस वेले जदों सिख कौम विच योग अगवाई वाली लीडरशिप दा खला है, खासकर नौजवान पीढ़ी इस द्वंद विच उलझी है कि जो पंथक रहिबर हन ओह सियासी रंगां च रंगे हन, पंथक लीडरशिप दा भविख हनेरा है। सिख नौजवानां नूं खुद दी अगवाई समर्थ बनाउण लई अमृतसर विरासती मार्ग विखे अकाल यूथ जथेबंदी दी नींह रखणी इस सब सरोकार तो काफी अहम है। इस मौके वड्डी गिनती विच सिख नौजवान मौजूद रहे। इस बारे रस्मी ऐलान अकाल तख्त साहिब विखे पंज सिंघां वल्लों अरदास करके कीता गया। अकाल यूथ जथेबंदी दी स्थापना दी लोड़ क्यों पई अते इस दा मकसद की है, इस बारे सिख आगुआं ने तस्वीर साफ कीती है कि सिख कौम दे धार्मिक ते सियासी आगुआं दी नलायकी खुदगर्जी कारण लंघे काफी अरसे तों पंथक सभा विच वापरियां घटनावां कौम नूं वड्डी सट मारी है, वड्डी ढाल आई है। अजोके दौर विच बेरोजगार नौजवानां दी शक्ति दा नशियां दे व्यापारियां ने रज के शोषण कीता है। उन्हां दा कहना है कि अकाल यूथ वल्लों किसानां दे धरनियां विच जा के उन्हां नूं हमायत दित्ती जाएगी। SGPC दे बाहर 328 पावन सरूप मामले विच जारी सिख संगत दे मोर्चे नूं वी हमायत अकाल यूथ जथेबंदी देवेगी। होरां पार्टियां दे विच जिन्हां नूं कोई दिशा नहीं मिल रही, सही सेध नहीं मिल रही, असीं उन्हां नौजवानां नूं सही दिशा देण वास्ते यूथ अकाल दा अज गठन करिया। अज रस्मी तौर पर ऐलान हो जाना है। श्री अकाल तख्त साहब से असी अरदास बेनती करके वह ऐलान कर देना। उस तो बाद असी सारे नौजवानों सारे पंजाब दे विच लामबंद करांगे और सारियां नूं असी वो सही दिशा वल लेके जावांगे। जिदा कि हुण समाजिक कुरीतियां है, नशा बहुत भारू आ नौजवानों ते, उन्हां नूं नशे तो बचाउण लई होर कैंप लगाए जाणगे, अपने गुरमत नाल जोड़िया जाऊगा, जां पाणी दी संभाल बारे जिदा भी होर समाजिक कृतियां हैगियां, जां वातावरण सांभ संभाल बारे नौजवानों नूं प्रेरित करके जिहड़ियां समाज विरोधी कृतियां है उन्हां नूं खत्म करांगे और नौजवानों नूं आने वाले समय के जिवें सियासत तौर पर सियासी तौर पर जां धार्मिक तौर पर उन्हां नूं चेतन भी करांगे। यूथ दे विच मेन काम यही है कि जिहड़ियां समाजिक कृतियां असीं उन्हां नूं खत्म करना है। उस तों बाद जिहड़ी साडी अज राजनीतिक तौर पर नौजवान बड़ा पछड़ गया, जिन्नियां भी होर पार्टियां वो नौजवानों की दुरवरतों कर दी, उन्होंने नशे की मतलब वरतों करके उन्होंने रैलियां कट करन जोगा रखिया होया, पर किसी कोई अगवाई नहीं दे रहे, सही सेध नहीं दे रहे। साडा मकसद होगा कि नौजवानों राजनीतिक तौर पर जागरूक करके उन्होंने राजनीति का पता होना चाहिए भी उस बाद साडे नौजवान ही आने वाले समय से अगवाई कर धार्मिक तौर पर असं इन्ने पछड़ गए हैं कि नौजवानों असी धार्मिक खेत्र के आ ही नहीं रहा नौजवान नव कोई, असं उन्होंने प्रेरित करके धार्मिक खेत्र के भी आने की प्रेरणा देवे। ये नौजवान अगे आने वाले समय के राजनीतिक तौर पर भी और धार्मिक तौर पर भी अगवाई करे। वैसे तो असी सिर्फ अगवाई दे चलनी है, सिर्फ अकाल तख्त साहब की अगवाई है, जथेदार जगतार सिंह हवारा साहब की अगवाई के थले चलांगे। जिदा जिदा भी कोई निर्देश हो उस तरह असी अगे अगे वे जावे। बाकी नौजवान जिस तरह की अपने कोई विचार लेके आने पंजाब पद्धर से जो भी उन्होंने लगता है ना पंजाब लेवल से कोई कमी है असी उन्होंने जरूर विचारांगे ताकि आने वाले समय के पंजाब का जिहड़ी नौजवान आ वह सही सीध लेके सही दिशा वल जा सके। हम दे सर्व प्रवान ते जथेदार सिंह साहब जथेदार जगतार सिंह जी हवारा तिना दे दिशा निर्देशों अनुसार अज समुचा भाईचारा इत्थे इकट्ठा होया है ते पंच प्रधानी अकाल यूथ जथेबंदी का स्थापन किया गया है, जिहदे पंज आगू साहिबान अगे ला के सेवा निभाउणगे। सब तो पहलों सतगुरु हरगोबिंद साहब के चरणों में श्री अकाल तख्त साहब नूं समर्पित हुंदिया होइआं सारी संगत ने अरदास की बेनती की है, गुरु ग्रंथ साहब के चरणों चोट आसरा लिया है और ये अकाल यूथ जथेबंदी कौमी सिधांतों ते और कौम की विगड़ी हुई सवारन वास्ते चढ़दी कला नाल जथेदार जी के हुक्म से पहरा देंदिया होया ये पंथ की निगर सेवा चढ़दी कला की सेवा करने वचनबद्ध है। जो साडे नाल धक्केशाहियां हो रही ने थावां थावां ते धन गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया जा रहा, किसी नूं पागल ते किसी नूं कुछ कह के छड़ दिता जाता है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। गरीब जनता जिहड़ी आ धीआं ते भैणां उन्हां दे दिन दिहाड़े रेप हो रहे हैं और उन्होंने कतलेआम हो रहे हैं, लड़कियां ते तेजाब पाए जा रहे हैं, जनता बेचारी इंसाफ लई तरसदी सड़कां ते धक्के खा रही है।
ते मोदी दी हकूमत ते उहदे सारे नाल दे साथी गूढ़ी नींद में सुते हुए ने उन्होंने जगाउण वास्ते आते तीन आर्डिनेंस जिहड़े दिल्ली तो जारी होए ने पंजाब दी और हरियाणा होर सारी स्टेटा की जिनी किसानी है उन्हों मलिया मेड करने वास्ते आर्डिनेंस बन गए ने और सारे वीर किसान थावां थावां ते टोलां ते होर थावां ते सड़कां ते रेलां ते पटड़ियां ते धरने मार के बैठे ने। ये जिहड़ी अकाल यूथ बनाई गई है उन्हां किसान वीरां दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ढा के उन्हां दे इस जिस आर्डिनेंस की विरोधता वास्ते वो मोर्चा लाई बैठे ने डट के साथ देवेगी और डट के हमायत करेगी और सारे नौजवान सारे बुजुर्ग सारे भैणा वीर डट के सानू जथेदार जगतार सिंह जी हवारा का साथ इस जथेबंदी दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ढा के सानू सारयां नू साथ देण दी समय की बहुत वड्डी जरूरत है और सारे साथ निभाओ। कुछ दिनों विच प्रोग्राम उलीक के थोड़े दिनों विच ही ये समुचे सारे वीर शंभू बार्डर से जिथे भी योग समझणगे किसानां दे मोर्चे विच असी सारे उत्थे भी शमूलियत करांगे उन्हां वीरां दे नाल भी दुख विच दुख शरीक होवांगे। ये तुहानू सारयां दी बेनती है। मैं मीडिया दा सारे वीरां दा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हां। तुसीं समां कढ के इस जथेबंदी दे नाल साथ देण वास्ते पहुंचे हो सब दा भाई बहुत बहुत धन्नवाद। सारे वीरां दा संगतां दा पहुंचियां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। दमदमी टकसाल शुरू तो ही जथेबंदी जथेदार जगतार सिंह हवारा जी नूं अपना जथेदार मनदी ते मनदी रही है। उन्हां दे हुक्म ते हर हुक्म ते पहरा देण लई असीं वचनबद्ध हाँ। सतगुरु उन्हां नूं चढ़दी कला बख्शण। उन्हां दे नाल दे साथी जथेदार जी समेत रिहाइयां होण तां कि ओह कौम दे अंदर विचर के पंथ दी निगर सेवा कर सकण। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਗੂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਨਾਮੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾ। ਗਲੋਬ ਐਡਵਾਈਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਲ ਓ ਆਰਸ ਐਸ ਓ ਪੀ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।